खबर में शामिल करेंगे। वफाक के बाद ओपोजिशन ने पंजाब में भी महाज संभाल लिया। ओपोजिशन ने पंजाब असम्बली में वजीर अला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी। अदम एतमाद की तहरीक मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली राना मशहूद समी उल्ला खान मियाँ नसीर और दीगर अरकान असम्बली में जमा करवाई। अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के बाद वजीर अला असम्बली तहलील नहीं कर सकेंगे। तहरीक जमा होने के बाद 14 दिन में स्पीकर इजलास बुलाने के पाबंद होंगे। राणा मसूद ने पंजाब मीडिया की टीम से बात करते हुए कहा, और बात पर और कब तक इजलास जो है वो स्पीकर बुला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें इस वक्त जो हमने जमा कराई है, जो हमने असेंबली का इजलास रिकॉग्निशन करने के लिए उस पर 100 मेंबरान PMLN के हैं और 6 पीपल्स पार्टी के हैं, और जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन है उसके ऊपर 122 PMLN है और 6 पीपल्स पार्टी हैं, और जो आइन की रिक्वायरमेंट है वो 74 की थी, तो ये जमा हो चुकी हुई है। और अब इंशाल्लाह ताला ये हम समझते हैं कि अब इस उस्मान बुज़ार और इमरान खान का जाना ठहर चुका है। 100% और उम्मीद है जी, ये पंजाब जो है ये पूरे मुल्क में वाहिद ऐसा सूबा है जो 4.25 साल तक बगैर किसी CM के चलता रहा है, बगैर किसी एडमिनिस्ट्रेटर के ये चलता रहा है, और ये बिल्कुल जादू टोने पे ही चलता रहा है, और हम बड़े पुर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ताला। कैमरामैन आतफ रून के साथ चीफ रिपोर्टर राशिद अली वटी, पंजाब मीडिया, लाहौर।